क्या बोले कि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज है 25 जुलाई, दिन है सोमवार का और अभी हम खड़े हैं रूकी वाले मार्ग पे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं हरिद्वार लाइफ कांवड़ यात्रा, साथ ही जो है टैप कांवड़ यात्रा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस वक्त हो रहा है शाम का वक्त, तो चलिए यहाँ से आप सभी को जो है डाक कांवड़ यात्रा, साथ ही जो है लाइफ कांवड़ यात्रा दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये जा रहा है रूकी वाला मार्ग और शाम का वक्त हो रहा है। देख सकते हैं पूरी जो रोड है वो भर के चल रही है कांवड़ यात्रियों से। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो डाक कांवड़ यात्री होते हैं उनकी जो कांवड़ यात्रा होती है वो दोस्तों नॉन स्टॉप होती है, यानी वो दौड़ कर ही जाते हैं, वो रुक नहीं सकते। तो क्या होता है उसके चलते जो है उन सभी भोले भक्तों से बात नहीं हो पाती है, वो किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो बस आपको इतना ही दिखा पाऊंगा, जो डाक कांवड़ यात्री है वो अपनी कांवड़ लेके जा रहे हैं, साथ ही कोशिश करूँगा वो किस राज्य से और किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो बस मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों उनसे जो है बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके जो डाक कांवड़ यात्रा रहती है वो दौड़ कर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये भोले कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं इस वक्त। और ये शाम का वक्त का नज़ारा है, पूरी जो रोड है कांवड़ियों से इस वक्त भर के चल रही है। दोस्तों अभी ये भोले लेकर आ रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा। तो भोले से पता करते हैं, भोले कहाँ से रहने वाले हो? हरियाणा। हरियाणा कौन से जिले से? झज्जर। झज्जर, झज्जर जिले से। चलिए, भोले की टी शर्ट पे लिखा हुआ है उनके जिले का नाम। मैं एकदम से जिले का नाम तो नहीं समझ पाया, लेकिन हरियाणा के वो रहने वाले हैं, डाक कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। और अभी ये भोले भी मिले हैं जो डाक कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, पंचकूला से रहने वाले हैं। दोस्तों ये पंचकूला से जा रहे हैं, और नज़ारा देखो भाई पूरी रोड का, शाम का वक्त हो रहा है इस समय। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आज है 25 जुलाई, और आज से जो है हरिद्वार से जो है डाक कांवड़ यात्रा सबसे ज़्यादा निकल रही है। तो इसी के चलते जो है आप सभी को हरिद्वार से हम जो है लाइव डाक कांवड़ यात्रा दिखा रहे हैं। और दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, सामने है मनसा देवी का मंदिर जहाँ से आप जो है दर्शन कर सकते हैं मनसा देवी का। और इधर में है चंडी घाट का नज़ारा, जहाँ से आप चंडी माता के मंदिर से भी आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप मनसा देवी के दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही जो है चंडी देवी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बता देना, हम जो है लाइव आपको जो है वहाँ से दर्शन करा देंगे। तो चलिए अभी वीडियो में बने रहिएगा। और अभी हमें ये भोले मिले हैं, और उनके साथ के सहयोगी हैं भोले। दोस्तों डाक कांवड़ यात्रियों को देख सकते हैं, अभी बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो कहाँ से आए हैं। तो इस कारणवश से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से लाइव डाक कांवड़ यात्रा। और भी दोस्तों अभी ये भोले आ रहे हैं, देख सकते हैं डाक कांवड़ यात्रा, और दूसरे भोले ने जो है बदल लिए डाक कांवड़ यात्रा। अभी देख सकते हैं मैं उनके जैसे ही नज़दीक आता हूँ, क्योंकि डाक कांवड़ यात्रा वो दौड़ के कर रहे हैं, और जो भोले सहयोग कर रहे हैं बाइक के साथ में, तो जैसे ही पीछे आता हूँ उनसे बात करने के लिए बात नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यही है डाक कांवड़ यात्रा, जो भाग कर की जाती है डाक कांवड़ यात्रा को नॉन स्टॉप जो है किया जाता है। तो अभी देख सकते हैं और भी जो है भोले आ रहे हैं डाक कांवड़ यात्रा लेकर। ये भोले हैं, ये भोले जा रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा 06। उन्होंने अपने जिले का जो है कोड डाल रखा है अपनी टी शर्ट पे। और भी ये भोले आ रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा लेकर। भोले कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? बदरपुर। बदरपुर, बदरपुर। और लगभग 250 किलोमीटर की आपकी डाक कांवड़ यात्रा है। भोले कितने कितने? पाँच लड़के हैं, वो अभी पीछे आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, पाँच लड़के मदनपुर से जी, कविता बिहार मदनपुर खादा डेयरी जी, ओनली पाँच लड़के। चलिए भोले, तो भोले कितने समय में अपनी यात्रा वो पूरी कर लेंगे? भोले की माया, भोले की माया। चलिए भोले आपकी यात्रा मंगलमय में हो।
तो दोस्तों ये भोले से बात हो पाई है, दिल्ली के रहने वाले हैं बदरपुर के, पांच लोग जो है डाक कांवड़ यात्रा को कर रहे हैं जो कि पीछे अभी आ रहे हैं। तो उनके सहयोग में जैसे ही जो भोले थक जाते हैं उनके साथ में दूसरे भोले आकर जो है ये कांवड़ को बदल लेते हैं और आगे जो है वो भोले निकल जाते हैं। और नज़ारा देखो इस वक्त का रात का, किस तरीके से पूरा जो है रुड़की वाला मार्ग सजा हुआ है, हरिद्वार भी पूरा सजा हुआ लाइटों से देख सकते हैं। और ये भोले जा रहे हैं डीजे से, और भी जो है ये भोले आए हैं। भोले आपके साथ में है ये? नहीं, चलिए अभी भोले से बात नहीं हो पाई। ये भोले आपके साथ में है? वो भोले कहाँ से आए हो? बड़ौदा से। बड़ौदा, बड़ौदा से। कौन से राज्य से? सोनीपत। सोनीपत हरियाणा, हरियाणा समझ नहीं पाया, सोनीपत हरियाणा से वो आए थे जो बाइक पे भोले थे उनसे बात हो पाई है। अभी दोस्तों ये भोले भी जा रहे हैं डाक कांवड़ यात्रा लेकर और उनके साथ में जो उनके सहयोगी आ रहे हैं तो बात करने की कोशिश करते हैं। और एक और भोले आ रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा लेकर। तो ये भोले जा रहे हैं डाक कांवड़ यात्रा लेकर, देख सकते हैं उनके साथ में सहयोग करते हुए निकलते चले जा रहे हैं सभी। और दोस्तों अभी ये भोले भी जा रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा लेकर, तो बात करते हैं। भोले कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? सोनीपत से, हरियाणा। तो भोले आप कब तक जो है अपनी डाक कांवड़ यात्रा पूरी कर लेंगे? 9 घंटे में भाई। 9 घंटे में? लगभग कितने साथ में हैं आप? कितने लोग साथ में हैं अभी? 25 बंदे भाई। 25 बंदे? तो आप अभी सिंगल डाक कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं या डबल है? सिंगल लेके जा रहे हैं। चलिए भोले आपकी यात्रा सफल रहे। तो दोस्तों ये भोले मिले हैं सोनीपत हरियाणा के रहने वाले थे। दोस्तों जो सोनीपत हरियाणा है वो रेवाड़ी के पास में पड़ता है यानी दिल्ली के आसपास में। तो लगभग 200-250 किलोमीटर की वो है डाक कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और 9 घंटे का उनका सफ़र है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं हम चंडी वाले घाट के बाईपास के मार्ग पे और वहाँ से आप सभी को जो है डाक कांवड़ यात्रा दिखाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी भोले देख सकते हैं ये जा रहे हैं डाक कांवड़ यात्रा, कितने और साथ में जो है ये भोले उनके साथ में जा रहे हैं। और भी दोस्तों देख सकते हैं ये भोले जा रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा लेकर और उस वाले मार्ग से भी दूसरी साइड से भी जा रहे हैं भोले जो है डाक कांवड़ यात्रा लेकर। और भी दोस्तों ये जो भोले डाक कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, भोले कहाँ से आए हो? बुलंदशहर, यूपी से। तो दोस्तों ये भोले आए हैं बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं और डाक कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई है। अभी मैं खड़ा हूँ चंडीघाट वाले मार्ग की तरफ और ये सामने है चंडीघाट वाला मार्ग जो कि बिजनौर को जाता है। तो भोले जो है बुलंदशहर के लिए इधर से ही जा रहे हैं बिजनौर वाले मार्ग पर। चलिए दोस्तों अभी जो है हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाया हरिद्वार से लाइव कांवड़ यात्रा, साथ ही जो है डाक कांवड़ यात्रा जो कि भोले हरियाणा दिल्ली यूपी और बुलंदशहर से आए हुए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।